बिहारी गुड्डा। संजय पीएम कुजूर के निर्देशानुसार चौथे दिन ऑल हिंद वेलफेयर फाउंडेशन रानी डी गोड्डा के द्वारा लेंगरा डी रानी डी एवं आसपास के गांवों के जरूरतमंद गरीबों के बीच 22 पैकेट राशन एवं 40 लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें तथा खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोने का संदेश दिया गया। मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी, सचिव मुनाजीर हुसैन, कोषाध्यक्ष फारूक अंसारी, फयाज जियाउर रहमान, तनवीर ताजगीर, रफी किरमान, समीर गुलाम, अजामुद्दीन आलमगीर, अविनाश अब्दुल मनान का सहयोग सराहनीय रहा। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मोहम्मद मुनाजीर हुसैन। और क्या करते हैं? अभी तो हम फिलहाल जॉब कर रहे हैं जी। तो आप ये कौन से एनजीओ से जुड़े हुए हैं? अल हिंद वेलफेयर फाउंडेशन में हम सचिव हैं। और इसमें कब इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 2020 में हुई। 2020 में लगातार आपका एनजीओ जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं जो चीज़ का कमी है, हम लोग वहाँ तक जा के सारा टीम हम लोग का जाता है, जितना भी फाउंडेशन है, और जो भी कमी रहता है उस कमी को हम लोग पूरा करते हैं। तो अभी आपकी टीम जो है रानी डी में मौजूद है, तो आज आप लोगों ने किस प्रकार का कार्य करने का ठाना है? हम लोग इस प्रकार का काम करने के सोचे हैं कि जो भी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उसको हम लोग जहाँ तक हो सके चावल वगैरह जो भी हो और एक पैकेट बनाए और उसको घर घर तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मास्क, सैनिटाइजर ये सब भी हम लोग दे रहे हैं और लोगों को जहाँ तक हो सक रहा है बोल रहे हैं कि समाज सेवा के लिए आपका जो है एनजीओ कृत संकल्प है जी। अभी कौन कौन सा गांव में और आगे का क्या आपका कार्यक्रम कहां कहां होना? आगे का कार्यक्रम गोड्डा के मतलब वो 15 किलोमीटर रेंज में हम लोग जितना भी एरिया में गांव है और हम लोग जहां तक एरिया में जाएंगे और जहां जहां कमी है हम लोग वहां तक। अभी तो कौन कौन से गांव में, कौन कौन जगह जाके हम लोग का गांव में, जैसे रानी डी हो गया, लेंगड़ा डी हो गया, फुदन टला हो गया, या अभी सतवा टला भी आज हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन जब तक रहेगा हम लोग का काम चलता रहेगा, यानी जागरूकता ही आपका मेन मकसद है जी। गोड्डा से दिलखुश की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।